गुड मॉर्निंग छात्रों, आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के छात्रों के लिए कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भूल गया क्यों इंसान। इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जीवन परिचय देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन, जन्म इनका सन 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 में। अब ये हरिवंश राय बच्चे कौन है आप जानते होंगे, अमिताभ बच्चन जिसे बिग बी बोला जाता है, और अभी अभिषेक बच्चन के दादाजी है ये, ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। कविता के रूप में इन्होंने लिखी है मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, सत्तरंगिनी, मिलनयामिनी, आकुल अंतर, बुद्ध और नाचघर, प्रणय पत्रिका, आरती और अंगार आदि है। और बायोग्राफी में आत्मकथा क्या भूलूँ क्या याद करूँ, निर्ण का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी आदि। ये कविता आपके पाठ में है, जो कोर्डोवा की जूही पुस्तक है वो वही अब इस साल आपके लिए रहेगी, भूल गया कोई इंसान। पहले पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। मतलब यहाँ पे क्या कहा है इसका अर्थ पहले पैराग्राफ का, कि भगवान ने हमें सबकी सबको मिट्टी की काया मतलब मिट्टी से बनाया गया है, सब पर नव मतलब आकाश की निर्मल छाया है, यहाँ कोई नहीं आया है ले विशेष वरदान। यहाँ पे कोई किसी प्रकार से विशेष अवतार लेकर जन्म नहीं हुआ, सब आम इंसान के रूप में बना हुआ है, लेकिन फिर भी आदमी भूल जाता है कि मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ और मुझे दूसरों के साथ नहीं रहना, इस प्रकार के वो भूल जाता है, अपने आम में जीता है। दूसरे पैराग्राफ में, धरती ने मानव उपजाए, धरती मतलब जन्मभूमि है ना, ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाया, फिर मानव ने देश बनाया, अलग अलग फैक्ट्रियाँ, मकान, घर इत्यादि, और बहु देशों में बसी हुई एक धरा संतान। बहु देशों मतलब अलग अलग, अपने जो भारत देश है उसमें अलग अलग राज्य होते और उसमें सभी अलग अलग प्रकार की जाति जनजाति रहती है और उनकी अलग अलग बोलियाँ रहती है, और लेकिन सब वो एक धरा संतान, पृथ्वी की संतान ही कहलाती, सब भारतवासी कहलाते, यहाँ पे कभी कहना चाह रहा है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान अपने छोटे छोटे झगड़ों के कारण से लोगों से लड़ाई झगड़ा करते रहता है, मन मिटाव होते रहता है उनके बीच में, तो भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ। इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है कि इंसानियत होना चाहिए, ह्यूमनिटी, मानवता होना चाहिए उसमें, लेकिन वो भूल जाता है, कभी उसमें धर्म का आडंबर आ जाता है, ज्ञान का ज़्यादा अहंकार हो जाता है, इस प्रकार से वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ। थर्ड पैराग्राफ में, देश अलग है, देश अलग मतलब अलग अलग राज्य है, देश अलग हो, सभी देश अलग अलग रहते हैं, वेश अलग, वेश मतलब परिधान, वेश अलग हो, रंग रूप अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कोई गोरे कोई काले कोई छोटे कोई बड़े कोई लंबे है, निशेष अलग हो, सबकी वेशभूषा अलग रहती है, मानव का मानव से लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान से, मन तन जो है एक समान ही रहता है, उनमें सबके मन में तन में सभी एक ही इमोशंस रहते हैं, जैसे सबके अंदर एक दिल होता है, एक मन होता है, बुद्धि होती है, और सबके अंदर एक प्रकार का ही खून रहता है जिसका रंग है लाल, है ना, तो सब इंसान एक होते हैं, भगवान ने सबको एक समान बनाया है। हाँ, किसी में कोई अलग क्वालिटी रहती है वो बात अलग है, लेकिन सबको एक समान दिया, सब में बुद्धि क्षमता दी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन कभी कभी इंसान अपने आप को भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ, ठीक है। इसका अर्थ है कविता का, भूल गया कोई इंसान। कविता के आधार पर मानव को मानव से मनुष्य का मन अर्थात हृदय जोड़ता है, हृदय मतलब दिल। वास्तव में हमें कभी भी अपने हृदय की बात सुनना चाहिए, दिल की बात सुनना चाहिए, कि हमें कभी भी ये याद रखना चाहिए कि मैं जो भी काम करूँ, मेरे जो भी कार्य है, वो किसी को दुख पहुँचाने वाले नहीं हो, किसी का मन दुखी ना हो। अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम सबसे अच्छे इंसान कहलाते हैं, सबके सुख दुख में हमें उनका साथ देना जरूरी है। कविता में कवि ने अंतर प्राण होने की बात कही है, इसका आशय है कि मनुष्य का हृदय उसके शरीर में चलने वाली सांसें अलग अलग नहीं है, मतलब सबके श्वासोश्वास का काम चलता है, और सब बोलते हैं ना रोम रोम में रमने वाले राम भगवान हमारे अंदर रहते हैं, तो हमारे अंदर कभी भी बुरे विचार नहीं आना चाहिए, उसे हमें त्यागना चाहिए और सबका भला चाहना चाहिए। जैसे संस्कृत में उक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब इसका अर्थ होगा कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो जीव जंतु प्राणी हो,
उसके लिए हम यही कामना करते हैं कि वो सभी स्वस्थ रहे, सब मंगल रहे, हैं? सब अपने जीवन में खुशी मनाए, सबको इसमें अधिकार है। चलो ठीक है, आइए दोस्तों, अब आगे आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य। इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि की भावनाओं को वर्णन करना है इसमें। फिर दूसरे में, एक धरा संतान से कवि का क्या आशय है? फिर प्रश्न तीसरा है, कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय लिखिए, जो स्लाइड में दिए हुए उससे रिलेटेड अब लिख सकते हैं। आराम से उसको पढ़ना और लिखना। धन्यवाद।